छत्तीसगढ़ के नगरपालिका डोंगरगढ़ में पीआईसी की बैठक के दौरान सीएमओ व पार्षदों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बात गाली गलौच व मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद सीएमओ हेमशंकर देश लहरा व अध्यक्ष सुदेश मेश्राम सहित पार्षद डोंगरगढ़ पुलिस थाना पहुंचे। थाना पहुंचकर सीएमओ ने उनके साथ कांग्रेस पार्षद मनोज साहू, बलदेव यादव तथा पार्षद पति मनोहर कांड्रा पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने भी सीएमओ पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत की है। जानकारी के अनुसार पालिका में पीआईसी की बैठक थी, जिसमें विकास कार्यों पर चर्चा को लेकर सीएमओ और कांग्रेसी पार्षदों के बीच गहमा गहमाई का माहौल बन गया और विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद देर रात तक दोनों पक्ष थाने में डटे हुए थे। पुलिस दोनों पक्षों का समझौता कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं मानने के बाद दोनों पक्षों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में सीएमओ कैमरा के सामने बोलने से बचती हुई नजर आई। डोंगरगढ़ से संवाददाता अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट। सर, हेमशंकर देश लहरा जी नगर पालिका अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो ऐसे कितने बार मतलब उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज थाने में कराई गई है विभिन्न मामलों में, और वो किस ज़्यादातर क्या मामलों को लेकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई? इसके पूर्व भी पिछले एक डेढ़ साल से उन्होंने करीबन 4 लोगों के खिलाफ में शिकायत दिया था, जिसमें उनकी जांच की गई है। इसमें एक ठेकेदार के खिलाफ में था, एक कोई मेश्राम जी थे, और करीबन 4 मामले में इस प्रकार की उन्होंने शिकायत की। ज़्यादातर बातें क्या थी सर, उसमें मामला क्या आया था उसमें? जातिगत बातें उसमें विभागीय विभाग से संबंधित था। जातिगत मामले में ऐसा कुछ नहीं है? एक मामले में जातिगत मामले में कार्रवाई हुई थी। जातिगत मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। जातिगत मामले में एक ही बार रिपोर्ट कराई गई है? जातिगत मामले में करीबन 2-3 बार उन्होंने किया था। एक मामले में सही पाए जाने पर उनको अरेस्ट किया गया। ठीक, थैंक यू। में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा आवेदन और FIR किए गए से जानकारी मिल रही है। पूरे मामले को बताइए। ये यहाँ के CMO जी श्री हेमशंकर देश लहरा जी, उन्होंने थाने में आकर एक लिखित शिकायत दिया था, जिसको तस्दीक पश्चात हमने उनके रिपोर्ट पर 2/93, 523, 566, 34 बादावी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें मनोहर कंडरा, मनोज साहू और बलदेव यादव हैं, जो PIC की मीटिंग के दौरान इनके साथ में गाली गलौज और मारपीट की बात कहे सर। इसी प्रकार हमने मनोहर कंडरा की रिपोर्ट पर भी 2/95, 506 बादावी पंजीबद्ध किए। सर, कोई गिरफ्तारी हुई क्या? जी, अभी नहीं। सर, मारपीट हुआ है कि लिखाई गई है? मारपीट की कोशिश की गई कि मारपीट हुआ है? मनोज जी, बताया आप पर सीएमओ ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने उसके साथ मारपीट करे हैं, इसके अलावा 2 पार्षद और हैं जिन्होंने उनके साथ उनके चैम्बर में ही मारपीट की, क्या मामला संबंध बताया? मारपीट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज PIC का मीटिंग था, उसमें सिर्फ सीएमओ साहब से जानकारी मांगा गया कि आपने गोधन योजना में सब गड़बड़ी हो रही है, उसमें मतलब आप क्या कार्रवाई की। हमने लिखित SDM साहब को भी शिकायत किया था उसमें, और उनसे सिर्फ जानकारी मांगा, उसमें वो तेजित हो गए, गाली गलौज बकना चालू कर दिए CMO और हमारी भाभी मतलब पार्षद है वार्ड नंबर 21 की नेमलता कंडरा, उनसे मतलब अभद्र व्यवहार किए, ऐसा है। तो आपने किस किस शिकायत थाने में की? उसके बाद हमने तत्काल मीटिंग को बंद करवा के यहाँ थाने में उनके खिलाफ शिकायत की है, शिकायत लेके आए हैं और उनके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज साहू, पार्षद वार्ड नंबर 15 डोंगरगढ़। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.